हेलो गाइस, दीपशिखा लुंगानी दिस साइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे पता है आप लोगों को बहुत टाइम से हो रहा था कि मैं दीपक सर का इंटरव्यू दोबारा से कब लूंगी। सो हियर आई एम ऑल अगेन। और आज दोबारा से मेरा एक्चुअली 2 दिन पहले ही उनके साथ इंटरव्यू का सेशन फिक्स हो गया था, लेकिन ड्यू टू फ्यू रीजंस आज ही अचानक से मैंने उनको ये कन्फर्मेशन दिया कि अभी हम ये जो इंटरव्यू है वो हम ये करने वाले हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको ऐड करूँगी, और अभी उनके साथ एक बहुत ही सीरियस वाला इंटरव्यू है आज मेरा। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि शायद कभी उनसे किसी ने पूछे नहीं होंगे, और आज मेरे को उनका जवाब भी चाहिए। सो मैं उनको अपने साथ अभी ज्वाइन करने वाली हूँ। एंड यस, सो हेयर दीपक सर इज हेयर। Write him, see pen and copies and is with in my hand and मैं उनसे कुछ बहुत ही सीरियस नोट में कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। हेलो। सो फाइन हेलो दीपक सर, हाउ आर यू डूइंग आई एम वेरी मच फाइन। आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं लोग मिस कर रहे थे कि दीपशिखा, आप दीपक सर का इंटरव्यू आप कब लोगे। एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी। हाँ वो है, लेकिन कुछ सीरियस इश्यूज हैं जो आप डिस्कस करना चाहती हो मुझसे, क्योंकि ये काफी मामला बढ़ गया है। तो आप मुझे जो है वो सवाल पूछ सकती हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यस आपके पास ऑलरेडी आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यस यस। और आज का जो इंटरव्यू सेशन है वो मेरे कुछ सवाल है वो बहुत ही ज्यादा, वो एक्चुअली में बहुत सीरियस सवाल है जो कि मैंने जो कि जिनका मुझे आंसर चाहिए आपसे। तो मैं शुरू करती हूँ ना ज्यादा टाइम लेते हाँ हुए। तो राइट। आप मुझे बताएं कि कुछ महीने पहले जो सुना गया था कि सुनो, कश्मीर आपकी में आवाज जो है आपको, ना, हेलो दीपशिखा, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप मोबाइल अच्छी तरह से पकड़ो, आपकी आवाज कट रही है बहुत। 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, हाँ 1 मिनट, वेट। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? बोलो। हाँ अभी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बट कट ही रही है, मतलब आपकी आवाज ऐसे क्लियर कट नहीं आती है हमेशा। आप कौन सा फोन यूज करती हो? सैमसंग। अच्छा ठीक है, चलो पूछो। सो 3 महीने पहले कश्मीर में ये खबर आई थी कि आप, नहीं दीपिका, हेलो, आपकी आवाज कट हो रही है बहुत। हेलो, समझने में मुश्किल हो रही है भाई, आपकी आवाज कट हो रही है बहुत। आपकी आवाज जो मुझे है ना, वो मेरी आपको तो अच्छी आएगी, लेकिन कट कट के आ रही है। आप एक बारी अपना चेक करो क्योंकि हाँ आई अभी कैन ठीक है, हेयर अभी यू। नहीं सुनो, अभी जब आप आगे आती है ना तो आवाज बराबर हाँ आती है आपकी। हाँ अब देखिए, अब ठीक आ हाँ रही अभी है? ठीक फाइन, है। हाँ अभी ठीक है। हाँ ओके, सो शुड हाँ बी स्टार्ट? हाँ शुरू ओके, तो करो। आपने कश्मीर में 3 महीने पहले ये खबर आई थी कि आपने प्रीति से शादी किया था, तो ये क्या बात सच है? आप मुझे बताएंगे प्लीज। हाँ देखो, ये बात सच है। ये कश्मीर में ये न्यूज़ आई थी कि मैंने एक मुर्गी के साथ, मतलब मैंने एक चिकन के साथ शादा किया था। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिसके कारण मुझे ये करना पड़ा। आज मैं ये मुद्दा इसीलिए उठाना चाहता हूं कि मुझे चिकन एसोसिएशन से लेटर आया है, ये मनेका गांधी की तरफ से। तो मुझे इस लेटर में ऐसे कहा गया है कि मैं मुर्गी से शादा मत कर सकता हूं। देखो, मैं मानता हूं कि ये गलत है कि मैं एक इंसान हूं और मैं मुर्गी से शादा मत कर सकता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग चिकन खाते हैं, मुर्गी की हत्या करके जो उसका चिकन खाते हैं, वो लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ली जा रही है। और मैंने एक मुर्गी से शादा किया तो मेरे ऊपर भारत सरकार ये मानहानि का दावा ठोक रही है कि मैंने वो चिकन के साथ, मैंने वो मुर्गी के साथ शादा क्यों करी। देखो, एक्चुअली कश्मीर में मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें मैंने ऐसे कहा कि मैं जीनत नाम की एक लड़की से शादा करने वाला हूं।
तो वहां की जो भी लड़कियां थी उनका जिनका नाम जिनत था वो सभी लड़कियां गुस्सा हो गई। मुझे ऐसे कहा गया कि आप इसके बारे में माफी मांगो। लोगों का जो गुस्सा जो है वो आपे से बाहर हो गया, जिसके चलते मुझे एक मुर्गी के साथ शादा करना पड़ा। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो लोग इस तरह से ऑब्जेक्शन ले रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग चिकन खा सकते हो। कम से कम मैंने वैसे तो नहीं किया, हाँ मैंने मुर्गी से शादा किया क्योंकि कश्मीर के लोग गुस्सा थे। जो मैंने कहा कि वीडियो में मैं जिनत नाम के लड़की से शादी करूंगा, तो जितनी भी जिनत नाम की लड़कियां थी उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, जिसके चलते उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैंने एक मुर्गी का नाम जिनत रखा और मैंने वो मुर्गी से शादा किया। जितने भी मुर्गी एसोसिएशन के लोग हैं, मुझे लेटर आया है मनेका गांधी से, तो मैं मनेका गांधी जी से यही कहना चाहूंगा कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट था जिससे लोगों का गुस्सा जो है वो कम हो जाए। तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने मुर्गी से शादा किया। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही मिलता आपकी जुलता है। आवाज कट रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही आ है। रही हाँ, है? आपने क्या बकरी से भी शादा किया है? मैं ये बात मानता हूं कि मैंने बकरी से शादा किया है क्योंकि मेरी एक मूवी थी जिसका नाम है बकरी मुझे अंडा दो। तो उसमें एक ऐसे सीन होता है कि वो बकरी जो है वो मुझे अंडा नहीं देती है, लेकिन जब मैं वो बकरी से शादी करता हूं, मतलब शादा करता हूं, तब वो बकरी मुझे अंडा देती है। एक्चुअली जब ये पर्टिकुलर सीन है बकरी और मेरी शादी का, जब ये वहां पे सेंसर बोर्ड में मैंने मूवी भेजी तो उन्होंने वो कट कर दिया, लेकिन हाँ वो मेरे स्क्रिप्ट की डिमांड थी और इसीलिए मैंने बकरी से भी शादा किया। गॉड, मतलब आपने बकरी से भी शादा किया और आपने मुर्गी से भी शादा किया। राइट। चलिए एनीवेज, एक और क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और ये है कि बकरी मुझे अंडा दो, ये जो मूवी है कश्मीर में बहुत फेमस हुई थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बकरी मुझे अंडा दो ये मूवी जो है ये कश्मीर में ही नहीं फेमस हुई, बकरी मुझे अंडा दो मैंने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी और लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई कान फिल्म फेस्टिवल में, और मूवी को जो है वहां पे अवार्ड भी मिला। तो मैं बहुत खुश हूं कि बकरी मुझे अंडा दो उसको कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। बहुत ही प्यारी मूवी है कि एक बाप अपने बेटे को ऑमलेट बनाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन मुर्गी जो है वो मर जाती है, तो कैसे एक बकरी मदद करती है और एक बकरी अंडा देती है और किस तरह से वो बाप अपने बेटे को ऑमलेट खिलाता है। तो बहुत ही ये रोमांटिक और इमोशनल कहानी है, तो मैं बहुत खुश हूं कि लोगों की ये बहुत पसंद आई और बकरी मुझे अंडा दो को कान फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला, तो बहुत मैं इस बात से खुश हूं। ओह माय गॉड, अमेजिंग, वाओ। दीपक सर, लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे आपसे पूछना है, और थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, मुझे खुद भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे भी पूछना है क्योंकि मुझे भी फिक्र है। आप आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है क्या? आप मुझे प्लीज बताइए। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए 1.5-2 करोड़ का खर्चा था। तो ये बीमारी जो है ये मेरा लीवर चेंज करने की बीमारी है, लेकिन मुझे मेरे फैंस से उन्होंने कहा कि दीपक जी आप ये इलाज जो है आप इंडिया में ना करें, आप ये इलाज जो है वो फॉरेन में करें। तो हाँ मैं इसका इलाज करने वाला हूं और इसका इलाज जो है वो मैं न्यूयॉर्क में करने वाला हूं, और इसमें मेरी हेल्प जो है वो गोल्डी भाई करने वाले हैं जिनका मैंने वीडियो डाला है अभी इंस्टाग्राम में। तो गोल्डी भाई जो है जो न्यूयॉर्क में रहते हैं जिनके न्यूयॉर्क में 3 क्लब्स है, तो वो मुझे हेल्प करने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूं कि 40 करोड़ का इसके लिए खर्चा है, लेकिन गोल्डी भाई ये सब मैनेज करने वाले हैं।
और अभी 1 वीक के बाद गोल्डी भाई मेरा लास वेगस में भी केक काटने वाले हैं। आपने इस बीमारी का खर्चा 40 करोड़ है दीपक सर? 40 करोड़ डॉलर्स नहीं, 40 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि 40 करोड़, आई मीन नॉट डॉलर्स, 40 करोड़ इंडियन रुपीस। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला है कि आप जब इलाज वो करा लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? हाँ, मतलब इसमें जो है मुझे एक बकरी का लीवर बिठाया जाएगा, और ये पहली बार ऐसा ऑपरेशन होगा कि एक आदमी को एक बकरी का लीवर बिठाया जाएगा, और वो वही बकरी है जिससे मैंने शादा किया था, तो उसका ही लीवर ये बैठ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा सब कुछ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, बकरी का आपको लगाया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अभी जल्दी है, मुझे दूसरे इसमें जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे लेकिन प्लीज दीक्षिता, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे क्योंकि मुझे जाना है, आप जल्दी से प्लीज। मैं जस्ट यहाँ पे, ये जो मुझे लेटर आया है, जो मुझे मनेका गांधी ने भेजा है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आया हूं, तो आप हो कुछ और सब नहीं। तो, लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, ये आप जो कह रहे हैं कि बकरी का लीवर, आप एक इंसान हैं और आप बकरी का लीवर दीपिका, मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको जो सवाल, चलो बाय, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरी लाइन में जाना है। ओके, चलो बाय, टेक केयर। दीपक सर तो चले गए हैं बिकॉज मेरे पास और क्वेश्चंस नहीं थे, थे नहीं पूछने के लिए, और उन्होंने मेरे को ये जो क्वेश्चन, ये जो लास्ट उन्होंने मुझे बोला कि बकरी का लीवर उनको लगाया जाएगा, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मतलब वो इंसान है और इंसान, आई मीन लाइक आप बिलीव कर सकते कि इंसान को मतलब बकरी का लीवर, और उन्होंने मुझे इस चीज की क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी है, नहीं समझ आ रहा। चलो एनीवेज, मैं ये अभी लाइव सेशन मैं यहीं पे बंद करती हूँ बिकॉज क्वेश्चंस अभी कुछ और भी थे लेकिन वो मुझे पूछने थे, लेकिन दीपक सर को बहुत जल्दी थी और उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो मे बी सम अदर टाइम, उनके पास टाइम नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनके साथ दोबारा इंटरव्यू सेशन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।